जय माता दी दोस्तों। तो आज का वीडियो का शुरुआत हमने जय माता दी बोलकर इसलिए किया है, आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दिखलाने वाला हूँ, कहाँ लेकर जाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरा शहर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि आरा शहर जो है बिहार का एक फेमस शहर है, और आरा शहर का स्थापना जिनके नाम पर हुआ है, आज वो मंदिर वो धाम मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं इस ब्लॉग में आपको अरण्य देवी माता का मंदिर दिखलाने वाला हूँ जिनके नाम पर इस शहर की स्थापना हुआ है आरा का। और कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ इस मंदिर से जुड़े हुए कि इस मंदिर की स्थापना जो है सन 2005 ईस्वी में हुआ था, और फिलहाल जो है आज के तारीख में भी जो है यहाँ पर मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है, मतलब कि मंदिर को एकदम तोड़ दिया गया है। कल मैंने एक फ़ोटो देखा तो उसमें देखा तो पता चला कि पूरा, मतलब इतना तो मुझे जानकारी था कि मंदिर बन रहा है, तो मैंने फ़ोटो देखा पूरा मंदिर जो है तोड़ दिया गया है, और तोड़ कर जो है इसको पुनः निर्माण किया जा रहा है, और इतना खूबसूरत निर्माण किया जा रहा है कि आने वाले मतलब किस समय में वन ऑफ द फेमस मंदिर होने वाला है बिहार का, इतना खूबसूरत। वैसे आज भी फेमस है अरण्य देवी मंदिर, जो भी लोग आरा आते हैं तो यहाँ अरण्य देवी मंदिर जरूर आते हैं, और इस मंदिर में जो है महाभारत काल और रामायण काल से इसका इतिहास रहा है। पांडव भी इस मंदिर में, यहाँ पर वन हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, तब यहाँ इस मंदिर में पांडव आए हुए हैं। रामायण काल में वनवास के दौरान जो है प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता भी यहाँ पर आई हुई हैं, और यहीं मतलब कि आरण्य देवी से आगे एक रामगढ़िया में राम मंदिर है, तो वहाँ पर भी राम जी आए हुए हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना किए हुए हैं। तो ये सारी कहानियाँ हैं जो कि अरण्य देवी माता से जुड़ी हुई हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ अरण्य देवी मंदिर का मौजूदा स्थिति क्या है, कैसा वहाँ पर काम चल रहा है, क्या स्थिति है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं अरण्य देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर हूँ फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का अभी नज़ारा है यहाँ पर मंदिर के बाहर। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है मंदिर का, और एक मैं फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ ये दिखलाने के लिए कि पहले यहाँ पर मंदिर कैसा दिखता था और अभी क्या स्थिति है। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर को जो है चारों तरफ तोड़ दिया गया है, सिर्फ जहाँ पर माता का मूर्ति स्थापित है वहाँ पर सिर्फ मंदिर बचा हुआ है, बाकी चारों तरफ मंदिर को तोड़ दिया गया है। और ये जो है स्ट्रक्चर है, और कुछ बनने के बाद ऐसा माता का मंदिर दिखेगा, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का भी नज़ारा है मंदिर का, और आने वाले एक या दो सालों में ये मंदिर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद यही है कि माता रानी आपका और हमारी जो भी सपना है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जय माता दी।